पाकिस्तान मसनूआत को दुनिया भर में फ़रोग देने के लिए यूएई में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने कमर कस ली। यूएई में मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारों का कहना है कि हम मुल्की मसनूआत को मुत्तहिदा अरब इमारात की मार्केट के जरिए दुनिया भर में मुतारिफ करवाएंगे और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राह हमवार भी की जाएगी। अब्दुलरहमान रजा की रिपोर्ट। यूएई में मेड इन पाकिस्तान मसनूआत को फरोग देने के लिए पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप यूएई की तरफ से दुबई में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और सरमायाकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एक एजेंडा है कि हम कोई भी काम करें, किसी भी मुल्क में करें, हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं, मेड इन पाकिस्तान का स्टैम्प लगाएं, लोगो लगाएं और एक ब्रांड बने। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर कराची में, एरिया में। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के सदर इकबाल एडवानी, मेहमान खसूसी मोहसिन शेखानी और दीगर शुरका का कहना था कि दुबई आलमी तिजारत का एक अहम मरकज है, इमारात की मार्केट बहुत बड़ी है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप में यहाँ से मसनूआत सप्लाई होती है। हमारा मकसद पाकिस्तानी मसनूआत की मार्केटिंग करना और यहाँ से सारी दुनिया में उसकी सप्लाई को बढ़ाना है। बिजनेस ग्रुप जो है उसका मकसद यही था कि तमाम बिजनेसमैन को इकट्ठा किया जाए, कम्युनिटी बिल्ड की जाए और एक दूसरे को प्रमोट किया जाए। मेरे चूँकि दुबई आना जाना काफ़ी होता था तो ये आइडिया मेरा था कि हम उसको दुबई में एक्सपांड करते हैं। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दुबई चैप्टर बनाया, इसको थोड़ा ही अरसा हुआ है मगर जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अडवानी साहब इसको बहुत कामयाबी से आगे बढ़ाएंगे। ये मकसद ये है कि हमको पाकिस्तानी प्रोडक्ट की यहाँ पर मार्केटिंग भी करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहिए और यही हमारा मेन मकसद है कि हम पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट जितने भी है उसको यहाँ पर हाईलाइट करें और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान के हम उनको इनवाइट करते हैं यहाँ आएँ और यहाँ हमारी बहुत बड़ी टीम है जो इनको फैसिलिटी सपोर्ट सब फैसिलिटी देगी, काफ़ी सपोर्ट करेंगे यानी कि किस तरह से यहाँ होता है, क्योंकि आपको पता है दुबई एक ऐसी जगह है जो एक हब है दुनिया का, यहाँ री एक्सपोर्ट भी यहाँ से बहुत होता है, यहाँ की खुद की मार्केट भी बहुत बड़ी है, मिडल ईस्ट पूरे मिडल ईस्ट को यहाँ से सप्लाई होती है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी लोग यहाँ आए, मैन्युफैक्चर आएँ और यहाँ विजिट करें और अपना प्रोडक्ट यहाँ लाएँ और इनमें हमसे जितना ताउन होगा हम ज़रूर करेंगे। बहुत बड़ी मार्केट है यूएई और इसके अलावा हमने ये भी सोचा है कि जो यूएई में लोग हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है, यहाँ के लोगों को भी हम कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के लोगों को हम लोग यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है रियल इस्टेट में और काफ़ी शूबों में यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान से आकर लोग यहाँ इन्वेस्ट करें तो एक्सचेंज एक ब्रिज बनेगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप देखें आपको इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आपको यहाँ काफ़ी काम नज़र आएगा और पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा काम नज़र आएगा। क्या एक विज़न है जो मैं आपको बिल्कुल खुलासा करना चाहूँगा, मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि जितने भी हमारे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यहाँ पर जो एक प्रोफेशनल हब है दुबई यूएई, तो यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो आप जितने भी मैन्युफैक्चर हैं वो यूएई में वेलकम करें और मेड इन पाकिस्तान का एक स्टैम्प लगाएं, हम ब्रांड बनेंगे मेड इन पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में नाम करेंगे। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि हमारा मकसद है कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जो पाकिस्तान के माशी मफादात के लिए काम कर सके। अब्दुलरहमान रजा, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात।